नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के सौंदर्यीकरण को लेकर सियासी घमासान जारी है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एक कहावत है कि राजरोग जब आता है तो अक्सर उसके साथ राजरोग आता है, परंतु आम आदमी पार्टी के संदर्भ में ये राजरोग इतनी जल्दी इतना संक्रामक हो जाएगा ये दिल्ली की जनता की समझ से बाहर था। उन्होंने कहा कि आज ये राजरोग उनकी सरकार, पार्टी और संगठन से होता हुआ उनके घर तक पहुंच गया है। आज दिल्ली स्तब्ध है, ये खुलासा साफ साफ आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के मुखौटे को बेनकाब करता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक देश के भविष्य को गढ़ने में पूरी तरह जुटा है, यहाँ के लोग संस्कृति को बनाकर रखते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भी कभी साधारण कार्यकर्ता के तौर पर कर्नाटक आया करता था, तब से मैंने कर्नाटक के लोगों से नाता जोड़ा और ये रिश्ता और मजबूत हुआ है। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह 16 साल बाद जेल से रिहा हो गया है। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वो आज सुबह 4:30 बजे जेल से बाहर आया। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहा था। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार सरकार की तीखी आलोचना भी हो रही है। इस बीच नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की गई और बिहार सरकार की अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी हिंसा की जांच केंद्रीय एजेंसी एनआईए द्वारा किए जाने का आदेश जारी दिया है। पिछले महीने रामनवमी समारोह के दौरान पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा हुई थी। जिले में दो समूहों के बीच झड़प के दौरान कई वाहनों में आग लगा दी गई और पथराव किया गया था। साथ ही दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। हिंसा के दौरान कुछ पुलिस वाहनों सहित कई कारों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाकर्मियों को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े थे। गुजरात के अरावली जिले में एफएम स्टेशन की शुरुआत होगी। एफएम स्टेशन की शुरुआत 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे। इसके साथ ही देश में 91 नए एफएम ट्रांसमीटर लॉन्च किए जाएंगे, जिनमें से गुजरात में 10 एफएम स्टेशनों में से एक अरावली जिले को लाभान्वित किया गया है। अब मोडासा के निवासी एफएम भी सुन सकेंगे। फिरोजाबाद में सीएम योगी के आगमन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम के आगमन को लेकर फिरोजाबाद पूर्ण हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पुलिस के व्यापक बंदोबस्त किए गए। भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। सीएल जैन डिग्री कॉलेज में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा। कार से कड़ी सुरक्षा के बीच शहर में होते हुए तिलक इंटर कॉलेज मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचेगा। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर संजय निषाद आज गोरखपुर में एक स्थानीय मैरिज हॉल में बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विगत कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है, इसलिए हमारी पार्टी से कुछ प्रत्याशी गोरखपुर में खड़े किए गए थे, जिनमें 9 लोगों ने पर्चा भरा। बाद में 4 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया। बाकी बचे प्रत्याशी भी बीजेपी को जीत दिलाएंगे। हम लोग एनडीए में शामिल हैं, ऐसे में पहली बार नगर निकाय चुनाव को लेकर हम गठबंधन में हैं। उत्तराखंड के परिवहन और समाज कल्याण मंत्री के साथ ही साथ चंदन रामदास पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री भी थे। चंदन रामदास के आकस्मिक निधन पर पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी ने भी अपनी शोक संवेदना प्रकट की। चंदन रामदास 2 बार पौड़ी जिले के भ्रमण पर आए थे। अभी हाल ही में वे 23 मार्च को भाजपा सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर वे पौड़ी पहुंचे थे। इससे पूर्व भी चंदन रामदास ने पौड़ी पहुंचकर देहरादून पौड़ी बस सेवा की शुरुआत की थी, जो कि लंबे समय से बंद थी। सितारगंज में 2 मजदूरों के बीच हुए विवाद के बाद की गई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया है। आरोपी की कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार कतियाल ने बताया कि संज्ञान में आया है कि कुछ लोग मजदूर की हत्या की फुटेज को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पुलिस की लगातार नजर बनी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हत्या से जुड़े मामले में गलत टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खटीमा में इन दिनों खटीमा फाइबर लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लगातार निकाले जाने के कारण प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी क्रम में खटीमा फाइबर लिमिटेड के सीएमडी डॉक्टर आरसी रस्तोगी द्वारा अपना पक्ष मीडिया के सामने रखने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान कंपनी के सीएमडी डॉक्टर आरसी रस्तोगी द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा किसी भी कंपनी के कर्मचारी को नहीं निकाला गया है। जिन भी कर्मचारियों को इस वक्त काम नहीं दिया गया जा रहा, उनको हमारे द्वारा ले ऑफ पर रखा गया है। जो हमारी कंपनी में एक तरफ 402 कर्मचारी कार्य करते हैं। हरिद्वार में पॉड टैक्सी योजना लेकर व्यापारियों और उत्तराखंड
मेट्रो कॉरपोरेशन के बीच हुई वार्ता विफल रही है। आपको बता दें कि व्यापारियों के साथ ही श्रीगंगा सभा के पदाधिकारियों ने पौ टैक्सी के रूट का विरोध कर बैठक का बहिष्कार कर दिया और राज्य सरकार से रूट बदलने की मांग की। दरअसल राज्य सरकार द्वारा हरिद्वार में पौ टैक्सी चलाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसी को लेकर CCR भवन में व्यापारियों और उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। बैठक में व्यापारियों और उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर तो पहुंच गए, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी न पहुंचने पर व्यापारियों ने नाराजगी भी व्यक्त की है। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के कामकाज से नाखुश साधु संतों ने अब हरिद्वार लोकसभा चुनावों में संत को टिकट देने की मांग शुरू की है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे भारत साधु समाज और हिंदू रक्षा सेना से जुड़े संतों ने कहा है कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र है और तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा बने रहने के लिए संत को ही यहाँ का लोकसभा प्रतिनिधि होना चाहिए। इसलिए वे सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करते हैं कि सभी दल किसी संत को ही चुनाव मैदान उतारे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे साधु संतों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर राजनीतिक दल संत को नहीं लेते हैं तो सभी संत मिलकर अपने किसी कैंडिडेट को चुनकर निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आज सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। कपाट खुलने के इस पावन मौके पर अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु धाम पहुंचे तो यात्रा पड़ावों में चहल पहल भी शुरू हो गई है। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए तीसरी आग की भी नजर रहेगी। आपको बता दें कि जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला के निर्देशानुसार गंगोत्री धाम में 12 ऑनलाइन CCTV कैमरे संचालित किए गए हैं, जिसकी लाइव निगरानी चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम उत्तरकाशी में की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि चारधाम यात्रा को सफलतापूर्वक संचालन को लेकर गंगोत्री धाम में स्नान घाटों, मंदिर परिसर, बाजार, पार्किंग स्थल आदि स्थानों पर CCTV कैमरे स्थापित किए गए हैं। तीर्थ नगरी हरिद्वार की हर की पौड़ी पर गंगा सप्तमी के मौके पर श्रद्धालु सुबह तड़के से वहां गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य का लाभ ले रहे हैं। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा समाप्ति सप्तमी का पावन पर्व मनाया जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी अनुष्ठानों में माँ गंगा के जल का प्रयोग किया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा के पूजन से अनजाने में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा माँ के पूजन से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने ज्योतिष गणना से प्रशासन को चारधाम यात्रा को लेकर सचेत किया है। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान रखने वाले अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने मौसम में आ रहे औचक बदलाव को ग्रह की चाल बताई है। 20 अप्रैल सूर्य ग्रहण से लेकर चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर तक 2023 चारधाम यात्रा के लिए सरकार को विशेष सावधानी रखने के लिए बोला है। उन्होंने बताया कि इन ग्रहों की चाल से प्राकृतिक आपदा, युद्ध, भुखमरी जैसी समस्या विश्वभर में देखने को मिल सकती है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। चारधाम यात्रा के दौरान यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की जांच के लिए परिवहन विभाग द्वारा ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रुड़की ARTO ऑफिस में ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में सफर करने वाले वाहनों, परिवहन विभाग द्वारा गाड़ी की फिटनेस, अग्निशमन यंत्र और आपातकालीन स्थिति में उपयोग होने वाले सामानों की भी जाँच जारी है। योगी सरकार के वंशा पर अमेठी के गौरीगंज में स्थित मालिक मोहम्मद जायसी संयुक्त जिला चिकित्सालय पानी फेर रही है। इस चिकित्सालय में शासन से तैनात कोई भी महिला चिकित्सा की तैनाती नहीं है। वैसे तो इस अस्पताल का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 30 सितंबर 2020 को किया गया था, जिसके बाद 3 वर्षों से अस्पताल को संचालित नहीं किया जा रहा। यहाँ पर महिला चिकित्सक की नियुक्ति नहीं है। मुख्य चिकित्सक अधिकारी द्वारा जिला चिकित्सालय में 3 महिला डॉक्टरों और 1 स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति हुई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। पहलवानों के विरोध के बीच गोंडा में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का एक गाना गाते वीडियो वायरल हो रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह का गाना गाते वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हलचल भी मचा रहा है, जिसमें वो गा रहे हैं कि लाचार होने से अच्छा मर जाना है। आपको बता दें कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। शुक्रवार यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई है। लखनऊ में कांग्रेस नेता दिलप्रीत सिंह भाजपा में शामिल हुए। दिलप्रीत 2017 में कांग्रेस से लखनऊ में महापौर पद के प्रत्याशी थे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बीजेपी में उन्हें शामिल कराया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारे साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में दिलप्रीत सिंह DP कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, जो कैंट विधानसभा चुनाव लड़े थे। अपने हजारों समर्थकों के साथ आज कांग्रेस पार्टी के सदस्यता छोड़कर के नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ।
नवाबाद थाना क्षेत्र के कुम्हार का कुआ इलाके में युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने पर बवाल हो गया। परिजनों ने दो महिलाओं सहित कुछ लोगों को सुसाइड करने के लिए दोषी ठहराते हुए कार्रवाई की मांग की। गुलाब प्रजापति ने पुलिस की तहरीर में बताया कि गांव की रहने वाली एक महिला और उसकी पुत्री ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उनके पुत्र सोनू प्रजापति से 5 लाख रुपए की मांग की। न देने पर छेड़खानी के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। सोनू ने डरकर 1.25 लाख रुपए दे भी दिए, लेकिन लोग और रुपए की मांग कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर सोनू ने फांसी लगाकर जान दे दी। जनपद बिजनौर में पुलिस अधीक्षक ने आगामी नगर निकाय चुनाव 2023 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण, शांति और कानून व्यवस्था को लेकर आमजन में सुरक्षा का भाव जागृत करने के उद्देश्य से कस्बा नूरपुर में स्थानीय पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया। पैदल गश्त के दौरान उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी भी मौजूद रहे। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला ने अजीबोगरीब बच्चे को जन्म दिया। दो मुंह में 3 हाथ की बच्ची को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। जन्म होने के कुछ ही देर बाद बच्ची की मौत हो गई। आपको बता दें कि पूरा मामला बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र का है। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत रक्सा पुलिस और स्वाट टीम द्वारा की सघन चेकिंग के दौरान डोंगरी पहाड़िया के पास 3 बदमाशों द्वारा पुलिस पर जान मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 3 बदमाशों को गोली लगी, वो घायल हो गए। थाना प्रेमनगर क्षेत्र में 8 अप्रैल की रात्रि में आपको बता दें कि मिलन पटेल ने शकरजी के मंदिर के पास से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बंदूक लूटी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू की। काफी लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने हरदोई में एक सवाल के जवाब में हास्यास्पद बयान देते हुए कहा कि जिस तरह अडानी के पीछे सरकार खड़ी है तो अडानी का माल बढ़ रहा है, उसी तरह अपराधियों के पीछे सरकार खड़ी रहती है तो अपराधी बढ़ते हैं और अपराध बढ़ता है। उन्होंने कहा कि जब कोई वारदात हो जाती है तब सरकार एक्शन में आती है। ओपी राजभर ने बिहार के बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई को लेकर कहा कि इस मामले को लेकर किसी भी दलित और पिछड़े नेता की जबान नहीं खुल रही है। ओम प्रकाश राजभर आज हरदोई के पिहानी विकासखंड में अपनी पार्टी की जन चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। बीते रोज घोषित हुए यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में परिणाम में प्रदेश में पहला और 7वां स्थान पाकर बुंदेलखंड के महोबा जनपद का नाम रोशन करने वाली मेधावी छात्रा को एसपी ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया एवं छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं। देश के सबसे पिछड़े इलाके में से एक बुंदेलखंड के महोबा जिले के चरखारी कस्बे में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के इंटर के छात्र शुभ चपरास ने सर्वाधिक आपको बता दें कि 97.80% अंक प्राप्त कर उत्तर प्रदेश में पहला स्थान पाकर जिले का मान बढ़ाया है। महोबा जनपद में मध्य प्रदेश सीमा के पास सड़क किनारे मरगासन स्थित में नग्न अवस्था में पड़ी एक युवती मिलने से हड़कंप मच गया। हाईवे पर युवती के कपड़े होने की सूचना पर एसपी सीओ सहित थाना पुलिस मौके पर पहुंची। युवती के शरीर में जगह जगह चोट के निशान बताए जा रहे हैं। उसे गंभीर अवस्था में मध्य प्रदेश के नौगांव अस्पताल के चतरपुर के हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस अधीक्षक बताती है कि उक्त मामले में जांच की जा रही है। बीजेपी विधायक सुरेश पासी ने आदिलपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बने पुस्तकालय का उद्घाटन किया। विद्यालय सुरेश पासी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत कराई, जिसके साथ ही विधायक सुरेश पासी ने कहा कि पहले की सरकार के शासनकाल में स्कूलों की स्थिति दयनीय थी, लेकिन मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार में स्कूलों में काफी परिवर्तन हुआ है। आज बच्चों को नए लुक में ड्रेस बैग और किताबें समय पर मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन पर थाना चौबिया और बसरेहर की पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मैनपुरी से वांछित चल रहे 20,000 के अंतर जनपदीय लुटेरे गैंग के एक शातिर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से घायल इनामी बदमाश को पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। पुलिस की गोली से घायल हुआ इनामी बदमाश एक दर्जन मुकदमों में वांछित चल रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के पास से 315 बोर, एक जिंदा तमंचा, 2 खोखा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का संत कबीरनगर निकाय चुनाव को लेकर एक दिवसीय दौरा हुआ। दौरे के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में निषादों को एकजुट करते हुए विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि मुसलमान भी इसी देश के वासी हैं, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, जाल बीनने वाले जलहा थे, बाद में मुसलमान हो गए। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में देर शाम मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान रानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत असदपुर पुलिया के पास 25,000 रुपये की इनामी एक अपराधी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में अपराधी के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में बाद में भर्ती कराया गया और आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आगरा का दौरा है। आपको बता दें कि GIC ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। 3 बजे आपको बता दें कि वो आगरा पहुंचे। निकाय चुनाव को लेकर सीएम की महत्वपूर्ण ये जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।
यूपी में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सीतापुर में नगर निकाय चुनाव में सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों को टिकट देकर जनता के बीच अपने अपने विकास के मुद्दे लेकर समर्थन में जुटाने को कहा है। वहीं बिस्वा से सपा नगर पालिका अध्यक्ष उम्मीदवार युवा नेता आशीष गुप्ता ने जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क किया। विकास के मुद्दों को लेकर जनता से बातचीत भी की गई। मामला कानपुर के बैरी थाना क्षेत्र का है, जहां भारतीय जनता पार्टी में आपसी कलह के चलते दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। आपको बता दें कि बर्रा के वार्ड नंबर 77 में भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र सचानपुर ब्राह्मण विरोधी होने के आरोप लगाए गए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी अखिलेश वाजपेयी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज उन्नाव दौरा पर है, जहां वो दो विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बांगरमऊ में कृष्ण लीला मैदान में वो पहुंचे और जनसभाएं करेंगे। उनके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी आज महत्वपूर्ण दौरा है, जिसमें इस दौरान जनता को कई चीज़ों को लेकर बातचीत उनकी तरफ से की जाएगी। हरदोई में समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप ने मंत्री जेपीएस राठौर के बयान पर पलटवार किया और कहा कि अखिलेश यादव स्वच्छ ईमानदार छवि के नेता हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। भाजपा नेता उनकी छवि खराब कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर तत्काल से वार्ता की गई और इस दौरान उनकी तरफ से ये सब तमाम चीजें कही गई। पूरा मामला सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत अलीगढ़ पुलिस लाइन का है, जहां पर फर्जी मुकदमे की शिकायत लेकर कोरियागंज का एक व्यक्ति सैकड़ों ग्रामीणों के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंचा और कुछ नहीं अपने ऊपर फर्जी मुकदमे की शिकायत एसएसपी से कही। एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन उसको दिया है। बदायूं तारीख आपको बता दें कि बदायूं में वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में शिव मंदिर शिव चौक बदायूं में हवन पूजन और विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। मंदिर कमेटी के द्वारा आपको बता दें कि हर साल भांति वार्षिक उत्सव पर हवन पूजन और भंडारे का आयोजन होता है। इस बार भी इसी तरह से विशाल भंडारा हवन पूजन किया गया और राष्ट्रीय हिंदू महासभा भारत की टीम के द्वारा ही सहयोग किया गया था। सुभाष नगर निवासी एक शिक्षक की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से एक महिला से हो गई। इसी बीच महिला ने अपनी बर्थडे पार्टी में उक्त शिक्षक को निमंत्रण दिया, जिस पर वो महिला के घर पहुंच गया। महिला के षड्यंत्र के तहत उक्त दोनों आपत्तिजनक स्थिति में आ गए। तयशुदा कार्य के अनुसार महिला के पति समेत चार लोग वहां पहुंचे और उक्त शिक्षक की वीडियो बनाने लगे। मना करने पर चारों लोगों ने उप शिक्षक से 2 लाख की डिमांड कर डाली। संभल में आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ी है। निर्दलीय प्रत्याशी और एसपी सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के समर्थकों ने घोड़ा बग्घी पर जुलूस निकाला, जमकर आतिशबाजी हुई। हजारों लोग जुलूस में उमड़े। जुलूस के बहाने शक्ति प्रदर्शन भी इस दौरान दर्शाया गया। धंधुका मार्ग पर भोगावो नदी के किनारे गड़नी रंग की दीवार गिरने से राहगीरों को हादसे का खतरा बना हुआ है। राहगीरों की मांग है कि जल्द से जल्द सिस्टम द्वारा दीवार निर्माण नहीं किया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। निबुड़ी में रियासत के समय नदी के किनारे गड़नी रंग की दीवार बनाई गई थी। पंजाब इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ को लेकर एक खबर सामने आ रही है। वो एक बार फिर ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ चुके हैं। दरअसल कैलिफोर्निया के कोचेला वैली के म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल में सिंगर ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया और इस इवेंट के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन जिसको लेकर लोगों ने ट्रॉल कर रहे हैं। बता दें कि कैलिफोर्निया के कोचेला वैली में इन दिनों म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल चल रहा है और ये फेस्टिवल पूरे वर्ल्ड में फेमस है और इसमें पूरी दुनिया के आर्टिस्ट और ऑडियंस शामिल होते हैं। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी लेटेस्ट सीरीज सिटाडेल को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। आए दिन एक्ट्रेस को किसी न किसी इवेंट में सिटाडेल का प्रमोशन करते हुए देखा जा रहा है। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा इंडिया आई हुई थी और इस दौरान एक्ट्रेस ने जमकर अपनी लेटेस्ट सीरीज का प्रमोशन किया था। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा एक बार फिर सुर्खियों में है। फैंस को लेकर इंडस्ट्री के बीच उनकी लेटेस्ट सीरीज दहाड़ की खूब चर्चा हो रही है। बता दें कि इस सीरीज के जरिए वो पहली बार ओटीटी पर डेब्यू करने जा रहे हैं और इसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है और टीजर भी सामने आ चुका है। आपको बता दें कि टीजर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल उनकी फिल्म किसी का भाई किसी की जान हाल ही में रिलीज हुई, उसके बाद वो दुबई के आपको बता दें कि दुबई में वेकेशन मना रहे हैं और इस बीच उनका एक और वीडियो सामने निकल कर आया है। आपको बता दें कि अब इसी कड़ी उनका एक वीडियो जो सामने आया है, जिसमें सलमान खान सानिया मिर्जा के बेटे इज़हान मलिक के साथ दिखाई दे रहे हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना गणेशन के स्टाइल और फैशन सेंस के सभी दीवाने हैं। हर कोई उनकी शानदार लुक की तारीफ करता है। स्टार स्पोर्ट्स की एंकर रह चुकी संजना न सिर्फ किसी इवेंट में बल्कि क्रिकेट के मैदान में भी अपने फैशन स्टाइल के जलवे बिखेर चुकी है। संजना अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहती है। उनकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही छा जाते हैं। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश फटाफट में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ।